अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 500 टू 600 चिकन। उसके बाद ये मसाले हैं जिसे हमें अच्छे से भूंज कर इसका फाइन पेस्ट बनाना है। सूखा खोपरा, तिल, चार मगज के बदले आप खसखस भी यूज़ करते हैं या फिर काजू और बादाम का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा लिया है ज़ीरा और एक टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। यहाँ पर आप खड़ी धनिया का भी यूज़ कर सकते हो। इन सभी का हमें भूंज कर फाइन पेस्ट रेडी करना है। बघार के मसालों में है कड़ी पत्ता, दो अदद मैंने लिया है लाल मिर्च, आप तीखापन अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। एक टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा और कुछ दाने मैंने लिए हैं कलौंजी और मेथी के। नमक स्वाद अनुसार, इमली जिसे मैंने 2 से 3 घंटा पहले गर्म पानी में भिगा कर रखा था इसका रस हमें यूज़ करना होगा। हल्दी, तेल, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और 3 मैंने यहाँ पर लिए हरी मिर्च। आप फिर से कह रही हूँ कि तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, हमें तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसीलिए यहाँ पर मैंने मिर्ची का इस्तेमाल कम किया है। अब हमने रख दिया एक पैन, उसमें मैंने ऐड किया ऑयल। अब हरी जो मिर्च जो हमने लिया था उसे हल्का से नमक लगाकर उसे हमें फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरीके से हम हल्का से फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। अब हम ऐड करेंगे बघार के मसाले और फिर इसमें ऐड करेंगे और प्याज कटी हुई, और प्याज को हमें अच्छे से लाल कर लेना है। प्याज रेड ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ऐड करेंगे चिकन, साथ में ऐड करेंगे नमक और फिर इन मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। थोड़ा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, अब हम कलर के लिए यूज़ करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कलर के लिए। और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5-7 मिनट के लिए हम लेड लगाकर चिकन को गलने के लिए रख देंगे। चिकन आधा गल चुका है, देखिए चिकन गल चुका है हमारा आधा। अब हम ऐड करेंगे इसमें पेस्ट और मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक बार फिर से मसालों को पकाना है ताकि चार मगज, खोपरा, तेल का जो कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए।
फाइनली हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाले से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। आप ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने मिक्सी जार में जो मसाला लगा था उसी को वॉश करके ले लिया है पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए और इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए। अब हम ग्रेवी को अच्छा से एक बॉईल आने देंगे। ग्रेवी को अच्छा से बॉईल आ चुका है। अब हम ऐड करेंगे इमली का पानी। उसके बाद फ्राई की हुई हरी मिर्च, दो से तीन मिनट ग्रेवी को पकने दें। फाइनली हैदराबादी चिकन मसाला इज रेडी टू सर्व। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी संडे। फाइनली हमारी यम्मी डिलीशियस हैदराबादी चिकन मसाला इज़ रेडी टू सर्व।